आज कराची प्रेस क्लब में अमेरिका और सऊदी अरब से आए हुए मशहूर समाजी कारकुन और एनजीओ से तल्लुक़ रखने वाले जनाब मोहतरमा राहिला फिरदौस, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न की साबिक न्यूज़कास्टर हैं और बहुत बड़ी कंपेयर भी हैं अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर के दर्जा हैसियत रखती हैं, और नैयर आलम जो फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमनिटी अमेरिका के एक समाजी तंजीम है, और सऊदी अरब से आए हुए शहर जद्दा से आए हुए मुसर्रत खलील मशहूर साफ़ी हैं, उनके एजाज़ में जनाब हसन इमाम सिद्दीकी की जानिब से कराची प्रेस क्लब में एक नशिश का अहतमाम किया गया, जिसमें कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनाब शुएब अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ख़ान चेयरमैन इलेक्शन कमेटी, जनाब मशहूर शायर फारूक आज़म अरशी, जनाब स्टार मार्केटिंग के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद अहमद ख़ान, और सहाफ़ी मुख्तलिफ अखबारात के सहाफ़ी समाजी शख्सियतों ने शिरकत की। इस मौके पर राहिला फिरदौस ने कहा कि पाकिस्तान की जो हालात हैं मौजूदा, इसमें हमें तशवीश है। कराची प्रेस क्लब को बहुत बड़ा एजाज़ हासिल है कि इसकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में सुनी जाती है। उन्होंने कहा कि मैं मशहूर हूँ कराची प्रेस क्लब का, जो उन्होंने जहमत की खुशी तौर पर शुएब अहमद साहब का, कि जिन्होंने हमें इज़्ज़त दी, इज़्ज़त बख्शी, और मैं कराची आके सहाफ़ियों से, दोस्तों से, समाजी कारकों से मिल सकी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ हासिल है। जनाब नैयर आलम फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमनिटी के सेक्रेटरी जनरल, जो कि शिकागो में मुकीम हैं, उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में रहने वाले गरीब, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ईसाई, किसी भी मज़हब, तो उनकी हम इमदाद और उनकी इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। साथ साथ बांग्लादेश में जो रोहिंगा मुसलमान हैं, जो बर्मा से हिजरत करके आए हैं, और जो कुछ पाकिस्तानी व मैसूर पाकिस्तानी, उनकी इमदाद व आबादकारी में बिला नसर नसब मसरूफ़ हैं। हम उनके पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके मकानों की तामीर, ख़ास करके बैतुलखरा कॉमन जो गुज़लखाना है, जिसे मर्द और औरत हैं उनको हमने सेपरेट बनाने में पूरी तवज्जो दी। हमारे देवे स्कॉलरशिप से लड़के ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मुकीम हैं, जो अगर उन्होंने तालीम हासिल कर ली तो उन्हें बाकी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बखुद माशरे में अपना मकाम पैदा कर लेंगे। उनकी इस अमल से पाकिस्तान का नाम भी होगा, चूँकि इस NGO के सारे लोग पाकिस्तानी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन अमेरिकन शहरी हैं। तो मैं अमेरिकी हुकूमत के भी शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें यह मौका फराहम किया कि मैं इन दुखी इंसानी की खिदमत कर सकूँ। इस मौके पर सऊदी अरब साहिब मुसर्रत खलील ने कहा कि सहाफ़ियों का बड़ा किरदार है माशरे के बुराइयों को उजागर करने में, और उनकी सलाहत के लिए बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं, जिसमें कराची प्रेस क्लब को ये सुनकर खुशी हुई कि कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ी बरादरों के लिए बड़ा अच्छा सहूलत पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया है और मज़ीद काम किया। उन्होंने कहा कि शुएब अहमद साहब ने जो तफसीलात हमें बताई हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है कि सहाफ़ियों के लिए ये शायद पाकिस्तान का वाहिद प्रेस क्लब होगा जहाँ पर इतनी सहूलतें सहाफ़ियों को दी जा रही है, जहाँ डॉक्टर की सहूलतें हैं। अभी हाल ही में दांतों के सिलसिले में किया, हालांकि दांत कॉस्मेटिक में आते हैं या आम बीमारियों में नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन उसके लिए भी कराची प्रेस क्लब ने यहाँ पे अपना डॉक्टर का और दिगर का इंतज़ाम किया है। तो इसमें को उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ और दरख्वास्त करूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सहाफ़त से मुंसलिक हैं उनके लिए कराची प्रेस क्लब एजाज़ी रुकनीत या एसोसिएट मेम्बरशिप का किस में गौर करे। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मैं अपने आइंदा इजलास में आपके इस तजवीज़ को पेश करूँगा। इस मौके पर हसन इमाम सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि मैं प्रेस क्लब ये दुनिया के चंद प्रेस क्लबों में है जिसकी आवाज़ पूरे दुनिया में सुनाई देती है, और यह कि सहाफ़ी मनजंदा में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो आज़ादी सहाफ़ियत के ख़िलाफ़ जो काम होता है उसके रोड़े जो अटकाते हैं सहाफ़ियों के लिए, ये उनके साथ साथ हैं, उनकी सहूलत पहुँचाने के लिए, उनके जायज़ हकूक़ के लिए ये जदोजहद में शरीक हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया कराची प्रेस का, शुएब अहमद साहब सेक्रेटरी का, कि उन्होंने जहमत की और शरीक हुए। बहुत शुक्रिया।